जय श्री श्याम बच्चों बच्चों आज हम करेंगे 8.4 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका 5 पार्ट करेंगे बच्चों। तो इसमें जो है क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है बच्चों। तो ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों और कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, ठीक है बच्चों। तो इसे आपको प्रिपेयर करना ही करना है। तो इसमें हमें बच्चों कॉसेक और कॉट लाना है, ठीक है बच्चों। तो कॉसेक लाने के लिए हम इसको साइन से डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे, तो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो ये आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए। कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है बच्चों। अब हमें कॉट की जगह फॉर्मूला रखना है बच्चों। ये हमारे पास होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। तो ये जो कॉट है इस कॉट की जगह हम लिख सकते हैं, सॉरी बच्चों वन की जगह लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। ये जो वन है इस वन की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमें वन को जो है वो लास्ट में लिखना है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हमें साथ साथ लिख देना है माइनस वन का, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। अब इस वन की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो हम लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। ये वैल्यू हमारी यहाँ से आई है, वन प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से हमने कॉट स्क्वायर सॉरी वन की वैल्यू लिखी है, तो ये कॉट प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमने वन की जगह पर ये लिख दिया अकॉर्ड में कॉट ए प्लस वन माइनस कॉट ए, ठीक है बच्चों। अब ये जो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, देखिए एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों में से कॉमन आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहां बच रहा है वन और यहां प्लस वाले टर्म को हमने बाहर ले लिया है बच्चों, तो ब्रैकेट में बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है बच्चों। इसके अपॉन में जो है वो लिख दो कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए। अब ये जो माइनस का निशान है उसकी वजह से ये जो अंदर वाला निशान है ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। अब ये इक्वल टर्म हो गई, देखो कॉट ए प्लस का वन और माइनस का कॉसेक, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही हमें प्रूफ करना था इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थैंक यू बच्चों।